हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित दांगड़ी, योर होस्ट एंड दोस्त। आप सबका एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और आज के वीडियो में हम सीखेंगे इजी वे टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के आसान तरीके। जो अंग्रेजी सीखने के आसान तरीके हैं वो है, सबसे पहले कि आपको अंग्रेजी के बारे में छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जो इंग्लिश में छोटे छोटे यूसेज रहते हैं वो आपको आने चाहिए। तो आज हम ऐसे ही कुछ छोटे छोटे यूसेज सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम इंग्लिश में कुछ छोटे छोटे यूसेज देखते हैं। तो आज के जो छोटे यूसेज हमारे वो है हमारे पास स्टार्ट/स्टॉप। आज हम स्टार्ट/स्टॉप पढ़ेंगे, ये हमारा पहला यूज। और जो हमारा दूसरा यूज है वो है कीप का, हम कीप पढ़ेंगे। और तीसरा जो हमारा है वो है डोंट फॉरगेट टू। आज हम ये तीन के यूसेज पढ़ेंगे कि इनका अंग्रेजी में यूज़ कैसे किया जाता है, इन्हें अंग्रेजी में इनके प्रयोग करके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। स्टार्ट/स्टॉप, कीप प्लस डोंट फॉरगेट टू, इन तीनों के आज हम यूज सीखेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम इन तीनों को लेते हैं और इनके यूसेज देखते हैं कि इनकी सहायता से हम किस तरह के वाक्य बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इन तीनों को देख। अगर अभी तक आपने हमारा स्पोकन मास्टर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में आए घंटी के निशान को जरूर दबाइए, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। पहला यूज है स्टार्ट/स्टॉप का, किसका है? स्टार्ट/स्टॉप। तो जनरली स्टार्ट का जो हिंदी मतलब होता है वो है शुरू करना, और जो स्टॉप का हिंदी मतलब होता है वो है बंद करना। तो अब आप ये सोचते होंगे कि इनकी सहायता से हम इंग्लिश में कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट/स्टॉप हम किसी को भी राय देते हैं, सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं। अगर कोई ज़्यादा ही स्पाइसी खाना खाता है तो हम उसे कहते हैं, भाई स्पाइसी खाना बंद करो। तो हम उसे कह सकते हैं कि स्टॉप ईटिंग स्पाइसी फूड। अगर किसी की पढ़ाई एग्ज़ाम्स आ चुकी है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, भाई पढ़ाई करना शुरू करो। तो इसको हम कहेंगे कि स्टार्ट स्टडिंग। और अगर कोई ज़्यादा ही देर से मोबाइल चला रहा है तो हम उसे कहेंगे, भाई मोबाइल चलाना बंद करो। तो स्टॉप ऑपरेटिंग मोबाइल। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, और इसका स्ट्रक्चर आएगा स्टार्ट/स्टॉप प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसकी सहायता से हम जो हमारे सेंटेंस है वो बनाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस देखते हैं, जैसे मोबाइल चलाना बंद करो, मोबाइल चलाना बंद करो। तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सो मोबाइल चलाना बंद करो। तो यहाँ पर लिखा है बंद करो, तो ये बंद हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टॉप, तो यहाँ पर हमने लिखा स्टॉप, ये लिख दिया हमने स्टॉप। अब मोबाइल चलाना, तो ऑपरेटिंग मोबाइल, ये वर्ब का एनजी, मोबाइल चलाने के लिए ऑपरेट लिखा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग। अब ऑब्जेक्ट मोबाइल, ये हो गया। सो मोबाइल चलाना बंद करो, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा स्टॉप ऑपरेटिंग मोबाइल। अगला इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्पाइसी फूड खाना बंद करो, तो स्टॉप ईटिंग स्पाइसी फूड। तो चलिए आप इसी तरह से इसके कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। सो मुझे आशा है कि आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो हम नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और सो हमारा नेक्स्ट यूज़ है कीप का। देखिए KEEP, कीप, इसका जो इंग्लिश में मतलब होता है एज अ वर्ब के रूप में होता है
रखना एज अ वर्ब, एज अ वर्ब, एज अ वर्ब इसका हिंदी मतलब निकलता है रखना, पर यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है किसी भी काम को कंटिन्यू करते रहिए, किसी भी काम को कंटिन्यू करते रहिए, जैसे पढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दौड़ते रहिए, चलते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मोबाइल चलाते रहिए, इस तरीके से। सो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर इसके एग्जांपल्स पर बात करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कीप प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कीप प्लस वर्ब का फर्स्ट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका एक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि दौड़ते रहिए, कीप रनिंग, दौड़ते रहिए कीप रनिंग, और मुस्कुराते रहिए कीप स्माइलिंग, चलते रहिए कीप वॉकिंग, पढ़ते रहिए कीप स्टडिंग, मोबाइल चलाते रहिए कीप ऑपरेटिंग मोबाइल, हाँ पढ़ाते रहिए कीप टीचिंग, इस तरीके से। तो हम हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला हमारा एग्जांपल लेते हैं नाचते नाचते रहो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, पहले हम लिखेंगे कीप, ये लिख दिया कीप प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है नाचना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम डांसिंग, ये हो गया कीप डांसिंग। अब इसी तरह से कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे मोहन से बात करते रहिए कीप टॉकिंग मोहन, कीप टॉकिंग मोहन, जिन लाइफ एंजॉय करते रहिए, सो कीप एंजॉयिंग लाइफ, कीप एंजॉयिंग लाइफ, नदी में तैरते रहिए कीप स्विमिंग इन द रिवर, कीप स्विमिंग इन द रिवर, इसी तरह से आप कई एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर होगा होगा। तो चलिए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और फ्रेंड्स हमारा जो अगला स्मॉल यूज है वो है डोंट फॉरगेट टू का, डोंट फॉरगेट टू, डोंट फॉरगेट टू, ये हमारा यूज है डोंट फॉरगेट टू का, इसका मतलब होता है कोई काम करना भूल मत जाना, कोई काम करना भूल मत जाना। मैं अब लिख देता हूं कोई काम करना भूल मत जाना, कोई काम करना भूल मत जाना, जैसे मोबाइल चार्जिंग लगाना भूल मत जाना, हम हिंदी में जनरली कहते हैं मोबाइल चार्जिंग लगाना भूल मत जाना, घर में ताला लगाना भूल मत जाना, नहाना भूल मत जाना, कॉलेज जाना भूल मत जाना, नहीं तो अक्सर कोई कोई बीमार रहता है, स्कूल जाना भूल मत जाना, जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा कहते थे कि स्कूल जाना भूल मत जाना, क्योंकि हम स्कूल जाने के लिए बहुत नखरे करते थे, तो मम्मी पापा कहते कि स्कूल जाना भूल मत जाना। और हम किसी को कहेंगे कि भाई वो बाजार जा रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि मेरे लिए फल लाना भूल मत जाना, मेरे लिए फल लाना भूल मत जाना। तो इसी तरह के हम सेंटेंस डोंट फॉरगेट टू की सहायता से बनाते हैं और बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर है डोंट फॉरगेट टू का, डोंट फॉरगेट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये डोंट फॉरगेट टू का स्ट्रक्चर है, डोंट फॉरगेट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी सहायता से हम ऐसे वाक्य बनाते हैं, जैसे खाना खाना भूल मत जाना, खाना खाना भूल मत जाना, मम्मी को मोबाइल लगाना भूल मत जाना, सर से बात करना भूल मत जाना, बैंक में पैसे जमा करना भूल मत जाना। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है मोहन से बात करना भूल मत जाना, मोहन से बात करना भूल मत जाना, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डोंट फॉरगेट टू टॉक मोहन, डोंट फॉरगेट टू टॉक मोहन। हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सब्जियां लाना भूल मत जाना, सब्जियां लाना भूल मत जाना, जैसे कोई मार्केट जाता है और उसे हम कहते हैं भाई सब्जी लाना भूल मत जाना, सब्जियां लाना भूल मत जाना, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा
डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग वेजिटेबल, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग वेजिटेबल। सो इसी तरह से हम कई एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। सो दोस्तों एक बार फिर हम उन तीनों स्मॉल यूज़ का रिविजन कर लेते हैं, तो उससे आपको इसी वीडियो में ये तीनों यूज़ कवर हो जाएंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला यूज़ है वो है स्टार्ट स्टॉप, वो है स्टार्ट स्टॉप। सलाह सुझाव राय देना कि कोई काम करना बंद करो या शुरू करो। सलाह सुझाव राय देना कि कोई काम करना शुरू करो या बंद करो। सो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे तलिए खाना खाना बंद करो, तलिए खाना खाना बंद करो। तो स्टॉप टेकिंग स्पाइसी फूड, स्टॉप टेकिंग स्पाइसी फूड। पढ़ाई करना शुरू करो, पढ़ाई करना शुरू करो। सो स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट स्टडिंग। अगला जो हमारा इस यूज़ है वो है कीप का, वो है कीप का। कोई काम करते रहो, कोई काम करते रहो। आदेश राय सलाह देना, जैसे मुस्कुराते रहो, दौड़ते रहो, खेलते रहो, पढ़ाई करते रहो, ज़िंदगी के मज़े लेते रहो। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तेज़ दौड़ते रहो, कीप रनिंग फास्ट, कीप रनिंग फास्ट। रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहो, डेली कीप लर्निंग समथिंग डेली, कीप लर्निंग समथिंग डेली। सो अगला हम यूज़ देखते हैं वो है डोंट फॉरगेट टू का, डोंट फॉरगेट टू का। डोंट फॉरगेट टू इसका मतलब होता है कोई काम करना भूल मत जाना, कोई काम करना भूल मत जाना। जैसे मोहन को फ़ोन लगाना भूल मत जाना, बाजार से सब्जियां लाना भूल मत जाना, मोबाइल चार्जिंग लगाना भूल मत जाना, परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड ले जाना भूल मत जाना। सो इसी तरह से हम इसके कहीं एग्जांपल्स बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के इंग्लिश सिखाने के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।